मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। वाई न्यूज, बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर 84.8 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड अंडर द मनरेगा फाउंड दियर नेम्स डिलीटेड फ्रॉम द प्रोग्राम एज पर अ स्टडी रिलीज बाय लिपटेक, अ कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट। एकेडमिक्स एंड एक्टिविस्ट कंसोर्टियम लिपटेक के द्वारा एक स्टडी किया गया था और ये पब्लिश किया गया है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग इस ईयर के अप्रैल टू सितंबर मंथ तक अबाउट 84.8 लाख मनरेगा वर्कर्स का नाम डिलीट किया गया इस स्कीम से। अबाउट मनरेगा, नोडल मिनिस्ट्री कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर मनरेगा आता है। लॉन्च ईयर 2005 था इसका। टाइप ऑफ स्कीम, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बेनिफिशरीज, ऑल हाउस होल्ड मेंबर एज मोर देन 18 ईयर्स एंड रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। कोई भी हाउस होल्ड जो 18 ईयर्स जिसकी एज है और रूरल इंडिया के अंदर रिसाइड करता है। कवरेज इज एंटायर कंट्री एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट हैविंग 100% अर्बन पॉपुलेशन। ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा कंट्री के अंदर मनरेगा का कवरेज है। बेसिस ऑफ वेज रेट, वेजेज ऑफ मनरेगा आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन चेंजेस इन द CPI AL, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, विच रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन इन रूरल एरिया। डिफरेंट स्टेट हैव डिफरेंट वेजेज। मनरेगा स्कीम के जो वेजेज डिसाइड कर किए जाते हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। रूरल एरियाज के अंदर इन्फ्लेशन जैसे ही रिफ्लेक्ट होता है तो इसके वेजेज को बढ़ा दिया जाता है। डिफरेंट स्टेट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट स्टेट में वेजेज रेट डिफरेंट हो सकते हैं। राइट टू डिमांड एंड रिसीव वर्क विद इन 15 डेज ड्यूरिंग ड्रॉट, नेचुरल कैलमिटी एंड टू सर्टेन शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड, एडिशनल 15 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेजेज एम्प्लॉयमेंट इज गिवन इन अ फाइनेंशियल ईयर। राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एंड द पेमेंट इज टू बी मेड विद इन 15 डेज। अगर कोई भी ड्रॉट सिचुएशन या नेचुरल कैलमिटी किसी एरिया के अंदर आ जाता है तो मनरेगा के अंडर जो 100 डेज वर्क देने का जो गारंटी दी गई है उसको बढ़ाकर यहाँ पर यानी 50 डेज को और यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है और 115 डेज उन्हें वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लोगों का इकोनॉमिक और वेल्थ लॉस हो सकता है, उसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर मनरेगा के अंदर यहाँ पर 15 डेज का टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। और मनरेगा के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि 15 डेज के अंदर इसका पेमेंट डायरेक्ट टू द बैंक अकाउंट किया जाता है। राइट टू वर्क साइड फैसिलिटेड, इट इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर, शेड एंड मेडिकल एड। वर्क साइड पर वर्कर्स को ड्रिंकिंग वाटर, शेड एंड मेडिकल एड का यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। जियो टैगिंग ऑफ क्रेडिट एसेट्स, मनरेगा के तहत जो भी एसेट्स क्रिएट किया जाता है उसको किस तरह से जियो टैगिंग किया जाता है। थ्रू जियो मनरेगा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड इसरो। एसेट्स का, क्रिड एसेट्स का जो जियो टैगिंग किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जियो मनरेगा के थ्रू नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो, इसमें ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एंड इसरो, ये तीनों जियो मनरेगा के साथ मिल करके जियो टैगिंग करते हैं मनरेगा का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा, मनरेगा हैज एम्स टू प्रोवाइड एट लीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड वुज अडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। मनरेगा का जो एम है वो एवरी हाउस होल्ड को 100 डेज का गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट इन्हें प्रोवाइड कराना है एक फाइनेंशियल ईयर में, और कोई भी अडल्ट मेंबर जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए वॉलंटियर है तो इसके अंडर इसको वर्क प्रोवाइड कराया जाता है। इट ऑल्सो फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, ड्यूरेबल एसेट्स के क्रिएशन का फोकस भी मनरेगा स्कीम के अंडर किया गया है। वेरियस की प्रोसीजरल फीचर्स ऑफ मनरेगा, मनरेगा के कुछ प्रोसीजरल फीचर्स क्या क्या हैं। मनरेगा विल नॉट एंगेज एनी कॉन्ट्रैक्टर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर इट। मनरेगा के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंगेज करने के लिए डिनाई किया गया है। इट मीन्स इसमें कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम बिल्कुल नहीं होगा। एट लीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरी शैल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड एंड रिक्वेस्टेड फॉर वर्क अंडर दिस एक्ट। मनरेगा के अंदर जितने भी बेनिफिशरीज हैं उसका 1/3 बेनिफिशरी इसमें वुमेन होंगे। इट मीन्स यहाँ पर 33% जो वैकेंसी है तरीके से वो वुमेन के लिए है। वॉट आर अदर की फीचर्स,
नंबर वन सोशल ऑडिट, ग्राम सभा है पावर टू कंडक्ट रेगुलर सोशल ऑडिट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट टेकन अप विद इन द ग्राम पंचायत अंडर द स्कीम। स्कीम के अंडर ग्राम पंचायत के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट पर वर्क किया जाता है, ग्राम सभा को ये पावर दी गई है कि वो रेगुलर सोशल ऑडिट कर सकती है। जन मनरेगा, जन मनरेगा इज टूल टू गेट फीडबैक ऑन मनरेगा एसेट्स फ्रॉम सिटीजन। जन मनरेगा एक टूल है जिसमें मनरेगा एसेट्स से रिलेटेड सिटीजन से फीडबैक लिया जा सकता है। प्रोजेक्ट उन्नति इज हेल्पफुल फॉर स्किलिंग मनरेगा बेनिफिशरीज सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम द करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा के अंदर है एक और प्रोजेक्ट उन्नति यहाँ पर लॉन्च किया गया है जिसमें मनरेगा बेनिफिशरीज की स्किलिंग को बूस्ट करना है सो दैट वो करंट पार्शियल एम्प्लॉयमेंट से अपने आप को ट्रांसफर करके फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सके।